स्वागत है गाइस आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच लैपटॉप्स के बारे में जो कि आप परचेज कर सकते हो 40,000 रुपए के अंदर में। देखो यार, है क्या कि जो 40,000 रुपए वाला बजट है ना, इसमें बहुत लोग लैपटॉप ढूंढते हैं और जब वो ऑनलाइन सर्च करते हैं तो हजारों 500 लैपटॉप आपके सामने खुल जाते हैं। किसी में स्पेस कम ज्यादा होती है, किसी में हार्ड डिस्क लगा है, किसी में SSD कम है, किसी में रैम कम ज्यादा है, किसी की स्क्रीन साइज छोटी है, किसी की बड़ी है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो भाई कहां पैसा लगाना चाहिए। और आज की वीडियो आप देखो, आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, आप कहाँ इन्वेस्ट करो। और नहीं फर्क पड़ता आप स्टूडेंट हो, आप एक ऑफिस के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो या फिर एक पर्सनल यूज के लिए, या फिर अगर आप शॉप वगैरह के लिए भी लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो बस इस वीडियो को देखो, आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। और इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाओ। पहले नंबर पर आता है लेनोवो का IdeaPad 3। और अगर आप एक स्लिम और पोर्टेबल लैपटॉप ढूंढ रहे हो 14 इंच के ऑप्शन में, एक चीज मैं बता दूं, इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं, मैं अभी वीडियो में बता रहा हूं, तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। स्पेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 8GB DDR4 का रैम देखने को मिल जाता है, विंडोज 11 का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिल जाता है। एक चीज मैं बता दूं, मैं जो भी लैपटॉप अभी आगे बताऊंगा उसमें किसी किसी में विंडोज 10 भी होगा, तो वो अभी आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 10 होगा, पर आपको इन फ्यूचर विंडोज 11 का अपडेट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 256GB की SSD है इसमें। सेम वेरिएंट में आपको 1TB हार्ड डिस्क भी देखने को मिलेगा, तो आप देख लेना आपके लिए स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर परफॉर्मेंस, क्योंकि SSD के मदद से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है इस वाले में, फुल HD डिस्प्ले। सेम वेरिएंट में हमें एक 15.6 इंच का भी डिस्प्ले देखने को मिलता है, पर उसमें रैम घटा के 4GB कर दी गई है, तो आप देख लेना अगर आपका 4GB में काम चल जाए और आपको स्क्रीन साइज बड़ी चाहिए तो फिर आप उसके लिए जा सकते हो। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है तीनों की, सेम मॉडल भी है लेनोवो IdeaPad 3। और प्राइसिंग अगर हम बात करें तो 39,990 अभी इसकी जो प्राइसिंग है वो चल रही है। इसमें आप कार्ड वार्ड लगा के देख लो 40,000 रुपए में आपको कितना छूट मिल जाता है, या फिर ऑफर वगैरह का आप इंतजार कर सकते हो। एक साल की आपको वारंटी देखने को मिलती है और इसमें MS ऑफिस का प्री इंस्टॉल्ड मतलब इंक्लूडेड मिल जाता है इसके साथ बंडल्ड, तो वो एक चीज है। तो अगर आप स्टूडेंट या ऑफिस वर्क के लिए ले रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास MSI का कोर i3। एक चीज मैं बता दूं, ये लैपटॉप वैसे तो मतलब इसमें काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज आपको करनी पड़ेगी, पर आपको एक बिल्कुल क्लासिस और प्रीमियम लैपटॉप चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है 40,000 के अंदर। मतलब MSI के अगर आप फैन हो तो आपको ये चीज पता होगी, उनके लैपटॉप्स कितने प्रीमियम होते हैं, ठीक है। तो इस लैपटॉप की अगर हम स्पेक्स की बात करें तो प्रोसेसर जो है i3 का 10th जनरेशन है, रैम जो है हमारे 8GB का DDR4 का रैम देखने को मिल जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको विंडोज 10 मिलेगा पर इन फ्यूचर आपको विंडोज 11 का अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 256GB की SSD देखने को मिलती है, तो जो SSD थोड़ी सी कम है, जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल वो टॉप नॉच देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़िया, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा हम बात करें तो एक साल की हमें वारंटी देखने को मिलती है और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 38,990 और ऑफर में आप और भी कम पड़ेगा तो वो आप देख लेना। तीसरे नंबर पे है डेल वॉस्ट्रो। अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो आपको जो स्पेस ज्यादा चाहिए, अगर आपको स्पेस की ज्यादा नीड है तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। इसकी स्पेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इंटेल का i3 लेटेस्ट 11th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 8GB DDR4 का रैम दिया गया है, विंडोज 10 आउट ऑफ द बॉक्स है पर विंडोज 11 का सपोर्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 1TB की हार्ड डिस्क दी गई है, तो स्पेस की कोई भी कमी आपको नहीं होने वाली। 14 इंच का डिस्प्ले है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, फुल HD है, तो वहां भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। अगर हम बात करें तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्री इंस्टॉल्ड सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात है। अगर एज ए स्टूडेंट आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और एक साल की इसकी वारंटी और इसकी जो प्राइसिंग है वो 39,500 है और कार्ड वगैरह लगा के और भी कम हो सकती है। और चौथे नंबर पे है Redmi Book 15e लर्निंग एडिशन। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको MI ब्रांड से, क्योंकि बहुत लोगों को होता है भाई MI के लैपटॉप मैं नहीं लूंगा, भरोसा नहीं कर सकता, तो अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। बिल्कुल ही बहुत ही स्लिम और बिल्कुल बेस्ट लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में। स्पेक्स की अगर हम बात करें इसकी तो i3 का 11th जनरेशन लेटेस्ट आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 8GB DDR4 का रैम दिया गया है इसमें, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स पर बहुत ही जल्द आपको विंडोज 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 256GB की SSD दी गई है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, तो डिस्प्ले वगैरह की क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो MS ऑफिस का जो सपोर्ट है वो हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, तो वो एक काफी अच्छी चीज है। हमें ये एक साल की वारंटी के साथ आता और जिसकी प्राइसिंग है वो 40,000 रुपए, ऑफर में आप देख लेना या कार्ड लगा के आपको और कितना ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। पांचवें नंबर पे आसूस का Vivo Book 15 2021 एडिशन।
इसको मैंने पांचवें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें काफी चीजें लेटेस्ट दी गई हैं, पर थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं बताता हूं क्यों। स्पेक्स की तरफ अगर आप इसकी नजर डालो तो वहां पे आपको i3 का 11th जनरेशन बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 4GB DDR4 का रैम दिया गया है, तो रैम आप बाद में मतलब एक्सपैंड करा सकते हो, अगर आप 4GB में आपका काम हो जाएगा तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। यहां पे आपको विंडोज 10 का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर इन फ्यूचर आपको विंडोज 11 का अपग्रेड इसमें मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें 256GB की SSD दी गई है, तो SSD वगैरह में भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज, पर जो इसकी परफॉर्मेंस है इसकी बिल्कुल टॉप नॉच होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले यहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो डिस्प्ले वगैरह की क्वालिटी काफी बढ़िया होती है Asus वगैरह की, मैं खुद यूज करता हूं तो मैं ऐसे बता सकता हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको प्री इंस्टॉल सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो स्टूडेंट वगैरह हो आप तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आप इसके लिए जा सकते हो। एक साल की आपको वारंटी देखने को मिलती है, इसकी जो प्राइसिंग है वो 38,000 है, कार्ड वगैरह लगा के आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा।